हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माइग्रेन की टॉप 5 मेडिसिन बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन किसे कहते हैं, माइग्रेन किस कारण से होता है, माइग्रेन का साइन एंड सिम्टम्स क्या है, माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है, मैंने इसका एक अलग वीडियो बना दिया है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी दवाई बताऊंगा जो कि आप जो है अगर आपका सिम्टम मैच करता है आप ले लेंगे तो आपका माइग्रेन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी होती है जो कि जरा भी हेडेक हुआ, दर्द हुआ तो आदमी जो परेशान हो जाता है, उसको उल्टी होने लगती है, उसका जी घबराने लगता है, उसको अंधकार में छा लगता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो माइग्रेन बहुत ही माने कि पाजी बीमारी है जो कि आदमी के लाइफ में आती है, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो परेशान करती है। 15-20 साल से पेशेंट का कंप्लेन आता है कि सर हमको 20 साल से माइग्रेन है, 25 साल से माइग्रेन है। तो दोस्तों, माइग्रेन की सबसे बढ़िया दवाई और सबसे यूनिक दवाई ग्लोनायन। इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव हेडेक होता है, माने माथा जो है ऐसा लगता है कि आपका हेड जो है भारी हो गया है, आपको जो है आप सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, आपको दबाने से भी अच्छा नहीं लगता है, कोई वजन चीज़ रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव हेडेक। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले आपको तो आप जो ग्लोनायन 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3-4 बार कुछ दिन अगर ले लें तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो माइग्रेन है कंजेस्टिव है। अब कंजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, पूरा सिर जो है एकदम भारी हो जाता है और आप अब पेशेंट अपने सिर को पकड़ के बैठा रहता है, तो ऐसे सिम्टम में आप ग्लोनायन 30 पावर लीजिए, आपका हेडेक हमेशा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है स्पाइजेरिया। स्पाइजेरिया में क्या होता है कि सिर दर्द जो है हमेशा बाएं साइड में होता है, दाहिने में होता है, तब आपको स्पाइजेरिया काम नहीं करेगी। स्पाइजेरिया तभी काम करेगी जब आपका जो टेंडेंसी है हेडेक का, माइग्रेन का, वो आपको हमेशा बाएं साइड में होगा। तो अगर बाएं साइड में हो रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप स्पाइजेरिया 200 पावर में सप्ताह में एक बार करके लीजिए, आपका बाएं साइड का हेडेक हमेशा के ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है सनग्यूनूरिया। इसका क्या यूनिक लक्षण है कि हेडेक जो है दाहिने साइड में होगा, बाएं साइड से कोई मतलब नहीं है, जब भी होगा तो दाहिने साइड में होगा, एक साइड में होगा, वो भी खाली राइट साइड में। तो अगर दाहिने साइड में हेडेक हो रहा है तो आप सनग्यूनूरिया कैन 200 4-4 बूंद करके हफ्ते में एक बार ले लीजिए, आपका एग्जैक्ट अगर दाहिने साइड से हेडेक हो रहा है तो आपका हेडेक हमेशा के ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयरिस भर। इसको आपको लेना है 200 पावर में। ये जो है ऐसे हेडेक में दिया जाता है जिसमें पेशेंट को एसिडिटी होती है, तो अगर एसिडिटी से अगर माथा में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप आयरिस भर 200 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार कर लेंगे, तो अगर एसिडिटी से जो माइग्रेन होता है ये हमेशा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका। आपको लेनी है जब आपको इंडाइजेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, गैस्ट्रिक हो गया है, तो आप नक्स भूमिका रात में सोने के टाइम 2-2 बूंद करके 30 पावर में 2-2 बूंद करके लगातार कम से कम 2 हफ्ता ले लीजिए। अगर आपका एग्जैक्ट कारण है ड्यू टू गैस्ट्रिक तो आपका जो माइग्रेन हमेशा के ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सिम्टम के अनुसार आप ये दवाई ले सकते हैं, अगर सिम्टम मिलता है तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक दवाई और है, चियोनेंथस मदर टिंचर। अगर जो है न तो आपको राइट साइड में हो रहा है न तो आपको लेफ्ट साइड में हो रहा है, आप जो है कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं क्योंकि कभी राइट में कभी लेफ्ट में, तो कहने का मतलब कि हेडेक अपना जगह बना लिया है, तो जो सिख हेडेक जिसको बोलते हैं कि हमेशा जो है हमेशा हेडेक बना हुआ है, तो ऐसे केस में आप जो है चियोनेंथस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार अगर लगातार ले लेंगे तो आपका जो हेडेक का टेंडेंसी है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके एक दवाई हम और आपको बता रहे हैं जो हमारी तरफ से बोनस दवाई है, उसका नाम है कैनाबिस सिंडिका। तो कैनाबिस सिंडिका, अगर आप सब दवाई से परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आप जो है कैनाबिस सिंडिका 200 पावर में हफ्ता में अगर एक बार लेंगे तो कैसा भी हेडेक रहेगा ये हर हाल में आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। कैनाबिस सिंडिका 200 2 बूंद सप्ताह में एक बार। तो दोस्तों, आज मैंने आपको माइग्रेन की टॉप 5 मेडिसिन बताया। दोस्तों, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है drpstivari.com। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।